Welcome to VL Memorial School. This channel is very important for all students. So click on subscribe button and press the bell icon for all notification. Good morning student. I am Arun sir from VL Memorial School. आप लोग के online classes start हो गई हैं. I will teach you science. मैं आप लोग को science पढ़ाऊंगा. ये science 6 की book है. इसमें 7 units हैं. टोटल 17 लेसन है. फर्स्ट लेसन आप लोग का है सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत. भोजन के भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है? सबसे पहली जरूरत है हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है. नीड ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकता क्यों है. इमेजिन ए डे विदाउट फूड. आप जरा सोचिए बिना भोजन के एक दिन. हाउ डू यू फील ऑन दैट डे, आप उस दिन क्या महसूस करते हैं. व्हाई डू पीपल फील इट व्हेन दे हैव टू गो विदाउट फूड, उस दिन इंसान क्यों कमजोरी महसूस करने लगता है जिस दिन भोजन नहीं करता है. व्हाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर, लंबे समय तक भूख करने से आदमी क्यों मर जाता है. What role does food play in the life of living organism? जीवित प्राणियों के लिए भोजन कौन सा रोल निभाता है? We shall find answer to these questions in this chapter. हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस लेसन में प्राप्त करेंगे. You know that all living beings need food to live. आप लोग जानते होंगे कि सभी जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है. फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दस रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स टू सर्वाइव. भोजन क्या है? जो ऊर्जा का स्रोत है और हम जानते हैं सभी जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है. फूड इज वन ऑफ एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू लाइव. सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यकता है, भोजन की बहुत जरूरी आवश्यकता है. दे नीड्स फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. भोजन मनुष्य या जीवों के लिए, किसी भी जीव के लिए, उसके विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है. विदाउट फूड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विल स्टॉप ग्रोइंग, बिना भोजन के किसी भी जीव का विकास रुक जाता है या कम होता है. द सेल इन आवर बॉडी मल्टीप्लाई आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट. जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व मिल जाते हैं. Which are essential for the body are called nutrients. ये सब हमारे बॉडी को जो पोषक तत्व मिलते हैं. We cannot live without food for long. हम लोग बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं. Food is therefore necessary for all living beings. भोजन सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है. Food performs the following function. भोजन है जो कई कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर. जैसे इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म, भोजन हमारे शरीर को गर्म रखता है. इट्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, भोजन हमारे शरीर को बीमारियों से रोकता है. इट हेल्प टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, या हमारे शरीर के जो डैमेज पार्ट हुए होते हैं, खराब पार्ट हुए होते हैं, उनको रिपेयर करता है. इट्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यह हमारे विकास शरीर के विकास में बहुत सहायता करता है. इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है अपने कार्य को करने और खेलने के लिए. वी नीड फूड विच गिव अस द ऑल सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, भोजन हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है उसकी पूरा करता है. अब अगर टॉपिक आता है वैरायटी ऑफ फूड, भोजन के कितने वैरायटी हैं. We eat different types of food different times. हम लोग अलग समय पर अलग भोजन करते हैं. During a day, we take breakfast consisting of bread, slice, butter, corn flakes, meals, etc. सुबह के समय, नाश्ते के समय हम लोग ब्रेड, स्लाइस, दूध इत्यादि लेते हैं. Our lunch, सलाद. Our lunch consists of चपातीज, दाल, कैरी, राइस, सांबर. और दोपहर के समय जब भोजन करते हैं तो हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी एंड ऑल
एट नाइट इन डिनर वी टेक चपाती दाल राइस करीज, और रात में भी दाल चावल सब्जी लेते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इट्स डिफरेंट टाइप फूड, हमारे देश में अलग जगहों पे अलग अलग तरह के भोजन लोग करते हैं। ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर इटन डिफरेंट सीजन, अब हमारे देश में कई तरह के सीजन है, सीजन के हिसाब से हर अलग सीजन में अलग तरह का भोजन मिलता है। देयर आर ए लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ फूड इटन बाय अस, हम लोग पे कई प्रकार के भोजन करते हैं। अब अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड्स, तब तक के लिए थैंक यू।